सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रूडी व्लॉग्स। तो गाइज, आज हम आपको लेके जाने वाले हैं ऋषिकेश से कुंजापुरी मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ मंदिर है और बहुत फेमस मंदिर है अगर आप लोग उत्तराखंड में आते हो। और ये पड़ता है हमारे टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, और ऋषिकेश से ऑलमोस्ट आपको लग जाएंगे 45 मिनट के करीबन। मेरे बैक साइड में आपको ऋषिकेश का व्यू दिखाता हूँ गाइज, ये देखिए। फूड ट्रक भी लगाया गया, अगर आप लोगों को यहाँ पर राजमा चावल कढ़ी चावल खाना है तो इजीली अवेलेबल है गाइस। तो गाइस ऑलमोस्ट हमने 7 या 8 किलोमीटर कवर कर लिया है ऋषिकेश से यहाँ ऊपर के लिए। बैक साइड में जो व्यू देख रहे हैं, इस व्यू को देखने के लिए हम यहाँ पे रुके थे गाइस। भाई और वाइफ मेरी आई है साथ में, तो हम इस व्यू का आनंद लेने के लिए यहाँ पे रुके हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे, जितने भी आते हैं टूरिस्ट, जिन जिन को ये स्पॉट पता है, ये व्यू पॉइंट है हमारे। अगर आप लोग नरेंद्र नगर ऊपर टिहरी गढ़वाल के लिए जाते हो तो यहाँ से जो ऋषिकेश का व्यू आता है ना गाइज, बहुत ही शानदार। तो गाइज ये कुछ व्यू है हमारे ऋषिकेश का गाइज, ये पूरा जो आप देख रहे हो, राम झूला, जानकी सेतु पुल, लक्ष्मण झूला, इस पहाड़ के पीछे है डायरेक्ट। और ये हमारा रेलवे स्टेशन है नया वाला, और पुराना वाला रेलवे स्टेशन इस साइड में है। ये हमारा पूरा बाजार साइड है, और ये गंगा नदी जो कि आगे जाके हरिद्वार जा रही है गाइस। तो गाइस निकलते हैं कुंजापुरी मंदिर के लिए, मिलते हैं अब आपको आगे गाइस। भाई जो आपको सामने दिख रहा है वो है राजा का महल। बाहर से मैं आपको दिखा पाऊंगा, 5-स्टार होटल है वो प्रॉपर्टी, तो मैं उसके अंदर नहीं जा पाऊंगा, वो अलाउ भी नहीं करते अंदर जाना। तो आपको बाहर से मैं दिखाऊंगा राजा का महल गाइस। चलिए अभी पहले आपको महल दिखाते हैं, फिर डायरेक्ट अपने कुंजापुरी मंदिर की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये राजा का महल है अंदर जो आप देख रहे हो, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, प्रिंस चार्ल्स जो ब्रिटेन के राजा, वो यहाँ पे रुके थे। ये पुराने जमाने की तोप, उस जमाने की तोप जिस जमाने में राजा लोग यहाँ रहा करते थे गाइस। जो आप ये छोटा सा शहर देख रहे हो, ये है नरेंद्र नगर, और आपको राजा का महल दिखाता हूँ क्लोज से। अंदर तो जाना अलाउड नहीं है, गार्ड लगे हुए हैं हर जगह। तो गाइस जो आप सामने देख रहे हो महल, ये है राजा का महल, जो कि हमारे टिहरी गढ़वाल के राजा हुआ करते थे, उनका महल है गाइस। ये बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, 5-स्टार प्रॉपर्टी। और जो होटल है वो आनंदा है, वो नीचे की साइड में है। ये इनका फ्रंट जहाँ से गेस्ट लोग आते हैं। तो गाइस ये क्या खूबसूरत है, और ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है गाइस जो बनी हुई है सामने। और ये तोप दिख रही है गाइस आपको, ये देखिए। और एक मैंने गेट में भी आपको तोप दिखाई थी उस टाइम की, ये अंदर लेबर वगैरह काम कर रही है। गार्डन कितना खूबसूरत बनाया गाइस, बहुत ही शानदार गाइस। ये देखिए ये गार्ड लगे हैं, ये हमको अंदर आना अलाउड नहीं करते हैं। काफ़ी गेस्ट, VIP गेस्ट यहाँ पे आते हैं। और गाइज आपको रूम का रेंट बताता हूँ, यहाँ पे इसी के नीचे आनंदा की प्रॉपर्टी गाइज, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 लाख के करीबन पर डे का चार्जेस है। उससे सस्ते भी मिल जाएंगे, बट जो उनका मोस्ट एक्सपेंसिव है वो 2.5 लाख है। उसके ऊपर आप जो भी चीज़ें इंक्लूड करोगे तो प्राइजेस बढ़ते रहेंगे। थेरेपी भी यहाँ पर होती है, योगा भी कराते हैं गाइज। तो गाइज चलते हैं अब कुंजापुरी मंदिर की ओर, डायरेक्ट आपको मिलेंगे कुंजापुरी मंदिर में। कुंजापुरी के नियर बाय मार्केट जो है वो नरेंद्र नगर मार्केट है, वहां पे आपको हर कुछ मिल जाएगा ऑलमोस्ट। ये नरेंद्र नगर शहर नीचे चले गया लेफ्ट साइड के लिए, और अब हम चले गए कुंजापुरी मंदिर की रोड के साइड। यहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड का खतरा होता है बारिश के टाइम पे, काफी कच्चा पहाड़ी है। ये देखिए रोड पे अभी भी काम चल रहा है, और ये पहाड़ रिसता रहता है ऊपर से पानी के साथ, ये पहाड़ खिसकता रहता है जैसे आप सामने देख रहे हो गाइस। ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए, ये कभी ठीक होने के बाद भी टूट जाता है, क्योंकि बहुत ही कच्चा पहाड़ है और पानी है, जब आता है तो मिट्टी का पहाड़ है तो मिट्टी को पूरा नीचे खिसका के ले जा लेते। ये देखिए पूरा
पहाड़ किसका हुआ है। तो कोशिश करिए बारिश के टाइम पे ना ही आए तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए अब आपको ऊपर लेके चलते हैं मंदिर पे। तो गाइज बहुत ही ज्यादा भीड़ है गाइज यहाँ पे। अभी तो हमने जस्ट ट्रैक चढ़ना स्टार्ट ही करा था। बाप रे बाप, आज दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये मुझे नहीं पता गाइज। बहुत ही ज्यादा भीड़ है, लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं यहाँ से। ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पे कुंजापुरी मंदिर है और यहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। इन लोगों ने थोड़ा मेला टाइप का कुछ बनाया है यहाँ पे। काफी लोग यहाँ पे जुटे हैं गाइस, पता नहीं आज दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको एक बार क्लोज लुक दिखाता हूँ कितने लोग केवल नीचे आ रखे हैं। अभी मंदिर काफी ऊपर है गाइस, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जाना है अभी हमने। थोड़ा मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं गाइस। गाइज अभी भीड़ दिखाता हूँ आपको, ये नीचे का एरिया है गाइज। अभी हमको ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के करीबन ऊपर जाना है। नीचे ही इतनी भीड़ है तो मंदिर में कितनी भीड़ होगी। ये मुझे आज गाइज अष्टमी भी है, नवरात्रि के आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं गाइज। ये कुंजापुरी का द्वार, ये देखिए गाइस ऐसा लग रहा है जैसे मेले में हम जा रहे हैं। ये मेन रोड है जो आप आगे देख रहे हो। जलेबी गोलगप्पे भी आपको मिलेंगे, गन्ने का जूस भी गाइस। अभी आपको नीचे एक मंदिर दिखाता हूँ गाइस। ये कुछ प्रसाद लेने की शॉप है यहाँ पे, आप यहाँ से प्रसाद लेके कुंजापुरी मंदिर के लिए जा सकते हैं या फिर कुंजापुरी में ही आपको प्रसाद मिल जाएगा। ये देखिए गाइस, क्राउड देख रहे हो आप, पहाड़ी एरिया में इतना क्राउड गाइस। तो गाइस जो आपको ऊपर टावर दिख रहा है, इस मंदिर पे भी हमें जाना है। ये हमारा कुंजापुरी का मंदिर। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं कुंजापुरी मंदिर के एकदम नीचे। अभी थोड़ा सा हमें ऊपर जाना पड़ेगा सीढ़ियों से। ये चल रहे हैं नवरात्रे, आप सबको नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। तो आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन ही हम आए हैं कुंजापुरी मंदिर के लिए। आप लोगों को दिखाते हैं कुंजापुरी मंदिर गाइस, चलते हैं कुंजापुरी मंदिर के लिए और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे कुंजापुरी मंदिर के। जो जो कुंजापुरी मंदिर नहीं आए हैं आप सबको कुंजापुरी मंदिर दिखाएंगे, उसकी हिस्ट्री बताएंगे और आप सभी को दर्शन कराएंगे। तो गाइस इसमें पहले का लिखा 159, इसमें सीढ़ी है, ये चलनी पड़ेगी हमें ऊपर साइड में। तो गाइज काफी ऊपर हम आ गए हैं, यही सामने रेस्ट पॉइंट है मैगी पॉइंट। गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं कुंजापुरी मंदिर। अंदर जा रहे हैं मंदिर के। आगे का द्वार आज बंद है गाइस क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो पीछे से करा रहे एंट्री।
तो गाइस ये आप भी दर्शन कर लीजिए माता के। गाइज अब इस मंदिर की आपको हिस्ट्री बताता हूँ क्यों ये मंदिर इतना फेमस है। ये एक शक्तिपीठ है, कुंजापुरी जो टेंपल है हमारा, यहाँ पे क्या हुआ था, जो माता सती थी जब वो आहुति दे रही थी तो उस टाइम पे शिवजी भगवान उनको लेके गए थे, तो यहाँ पे उनका जो अपर बॉडी है ब्रेस्ट वो गिरा था। तो ये इसीलिए फेमस है, ये हमारा शक्तिपीठों में से है, क्योंकि यहाँ माता सती का एक अंग गिरा था बॉडी का, और जो अपर पार्ट होता है बॉडी का वो यहाँ पे गिरा था, और अंदर अलाउड नहीं है वो चीज़ दिखाना, उसके ऊपर पूरा कवर रहता है, कोई उसे नहीं देखता है। तो जैसे ये हमारा कुंजापुरी टेंपल हो गया, एक हमारा सुरकंडा देवी हो गया, चंद्रबदनी हो गया, तो यहाँ पे माता जी सती के अंग गिरे थे, तो इस करके ये मान्यता है इस मंदिर की हमारे ऋषिकेश में, या पूरे उत्तराखंड की बात करें। ये आदि शंकराचार्य ने एस्टेब्लिश किया था यहाँ पे, काफ़ी पहले की ये बात है, तो उन्होंने काफ़ी जगह पे एस्टेब्लिश किए हुए हैं मंदिर, और ये काफ़ी फेमस है। तो आज अष्टमी है इस करके हम यहाँ पे आए थे, हमने सोचा माता के दर्शन कर लिए जाए। हिस्ट्री थी कुंजापुरी मंदिर की, यहाँ पे माता जी का कुंज गिरा था, तो इस मंदिर का नाम कुंजापुरी मंदिर पड़ा। ऋषिकेश से ऑलमोस्ट 45 मिनट लगेंगे आपको यहाँ आने में, और यहाँ पे एकदम पहाड़ के पीक में आपको काफ़ी शांति मिलेगी। आंटी जी भजन कीर्तन कर रहे हैं वहाँ पे। गाइज ये कुछ व्यू है जो मंदिर के ऊपर से दिखता है, ये यहाँ नीचे गांव है, और इसी के जहाँ पे ये टावर दिख रहे हैं उसके बैक साइड में ऋषिकेश शहर है। गाइज ये काफ़ी धुंधला दिख रहा है क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा था, फॉग करके नहीं दिखाई दे रहा है ऋषिकेश यहाँ से साफ, नहीं तो बारिश के बाद यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है गाइज। ये यहाँ पे छोटा मोटा रेस्टोरेंट वगैरह खाने के लिए, और ये हमारा कुंजापुरी माता जी का मंदिर। तो गाइज ये कुछ व्लॉग था हमारा,
कुंजापुरी मंदिर से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो कुंजापुरी मंदिर नहीं है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।